जब 13 तारीख को पाकिस्तान का बम लगे हुए हैं, कम से कम 60-70 बम यहाँ हमारे घर के नज़दीक ही लगे, घरों में समय घरों के सामने लगे हुए हैं। रैशी इलाके में सुबह 6:30 बजे यहाँ स्टार्ट हुआ है, और सुबह उस टाइम हम बच्चों को जो है स्कूल में भेज रहे थे, और कोई पता नहीं है उस टाइम, जेकर हम 10 मिनट 5 मिनट एक मकान से निकल कर दूसरे मकान में ना गए होते, यहीं सब जो है पूरा हो जाना था उसमें। और मकानों की जो है बहुत ज़बरदस्ती जो है मकान हमारे जो है गिरने से थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। अब वो मिट्टी का मकान नहीं है कि उसको हमको फाड़ कर तो नया और बना दें, ये सीमटी मकान है, ये सरिये लगे हुए हैं, इनको जितना हमने खर्चा किया है इससे दोनों में खर्चा कर इसको हम तो सही उन्हें। और बाकी जो बच्चे हैं वो उसी टाइम बाग गए पुंछ में। अभी और आदमी भी जो है वो भी बोलते हैं कि भाई इधर कैसे रहें, डरे हुए हैं। आप जिसके पास भैंस है, गाय है, बकरी है, अब उसको छोड़कर कहाँ जाएं, वो कहाँ हमारा उसका रहना के लिए होगा। उनमें घबराहट की बात ही मत करो जी, इस टाइम हम बोल नहीं सकते इसके ऊपर कि इतना घबराहट है हमारे को। जी हर वक्त जो है रैशी इलाके में जो कर रहे हैं, ये चाहिए पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी चाहिए, आप कोई ऐसी बात उनको भी बोलो कि भाई अपने गाँव के ऊपर मत करो उनमें, क्योंकि रैशी लोगों का कालजा जो है इतना नहीं बड़ा कि वो बम के आगे खड़े होकर जवाब दें।